कैंसर मुझे हो सकता है तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। मुझे स्टोमा नहीं चाहिए था। वट एवर हैपन्स, मुझे स्टोमा नहीं चाहिए था। बहुत ब्लड लॉस हुआ था मुझे उस दिन। हमें जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोला कि आपके इंटरनल हेमोराइड डायग्नोस हुए हैं, 3-4 दिन आईसीयू में रखेंगे, हीमोग्लोबिन सही हो जाएगा तो वापस भेज देंगे। कहीं ना कहीं हेमरॉइड्स, पाइल्स, फिशर, ऐसे ऐसे चीजें डायग्नोस करते थे। किसी ने कैंसर वर्ड नहीं मतलब समझा था। अगर कैंसर मुझे हो सकता है तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। मैं कोई जंक नहीं खाती, मैं अपना बहुत ख्याल रखती थी, स्पेशली फिटनेस का। मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, एक जुकाम, खांसी, बुखार कुछ नहीं हुआ मुझे बचपन से। एंड सडनली व्हाट जो भी हुआ वो ऐसा हुआ कि इट हैज कम्प्लीटली चेंज माई थॉट प्रोसेस। गेम्स के बिना नहीं रह सकती। मेरा मिस डायग्नोसिस रहा लगभग 19-20 मंथ्स तक। इस वजह से मेरे 3.5 साल पूरे चले गए लाइफ के। और डॉक्टर ने सर्जरी बोला तो मेरे हस्बैंड बहुत डॉक्टर को जाके चिल्लाए थे। बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था कि काश आप फर्स्ट स्टेज में उसे डायग्नोस कर लेते तो शायद उसकी सर्जरी नहीं होती। 1.5 महीने ऑलमोस्ट मेरा रेडिएशन चला, 30 साइकल्स चले थे। उसके बाद वो लोग 1.5 महीने का गैप देते हैं, तो उस गैप में क्योंकि रेडिएशन की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा जल गई थी, और वो बहुत बुरा होता है। मुझे लगता है कि सर्जरी से भी बुरा कीमो होता है। मुझे स्टोमा नहीं चाहिए था। वट एवर हैपन्स, मुझे स्टोमा नहीं चाहिए था। मैं उनको बोली थी कि स्टोमा नहीं लगाना, मुझे स्टोमा नहीं चाहिए था। मुझे पता था कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे स्पोर्ट्स में। इवन अगर किसी ने मुझे किक भी कर दिया पेट पर, मैं किक बॉक्सिंग करती हूँ, तो मैंने बोला मैं तो तभी मर जाऊंगी। जो मुझे बोलेगा कि स्टोमा नहीं लगेगा, मैं वहां सर्जरी कराऊंगी। पेशेंट बन जाती मुझे इसका दुख नहीं होता। मुझे अभी भी दुख सिर्फ स्टोमा का है, मेरे को कैंसर का सच में कोई दुख नहीं है। दोबारा भी हो जाएगा ना, मैं तो भी उससे लड़ लूंगी, पर मेरे को स्टोमा अभी भी नहीं चाहिए। अभी भी कोई मेरे को बोले ना कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपका दोबारा एनल कैनाल बनाया जा सकता है और स्टोमा हटाया जा सकता है, तो अगर उसके लिए 10 सर्जरी भी बोलेंगे ना, मैं करा लूंगी। मुझे स्टोमा एकदम नहीं चाहिए। वो मेरे को इतना परेशान कर देता है ना कभी कभी कि मैं क्या करूं, कि मैं ट्रेवल कर रही हूँ फ्लाइट में और मेरा स्टोमा लीक कर गया है, और फिर मैं इतनी पैनिक हो जाती थी कि मैं क्या करूं, कहाँ चेंज करूं। More than 1000 rupees पर स्टोमा, और आपको हर 3 दिन में वो स्टोमा बैग चेंज करना पड़ता है, और 1 महीने में 10, तो 10,000 का खर्चा तो ऐसे ही हो जाता है।